युपाक्ष क्या नहीं कर सकता है, आप निश्चिंत रहें। युपाक्ष ले आएगा कल्प वृक्ष को पाताल लोक। वो केसरी पुत्र वानर हो या कोई अन्य, कल्प वृक्ष को पाताल लोक में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। युपाक्ष, आत्मविश्वास कभी कभी असफलता का कारण बनता है। स्मरण रहे ऋषि दुर्वासा और उस वानर बालक की अनुपस्थिति में ही कल्प वृक्ष पाताल लोक में लाना होगा। युक्ति शक्ति पर भारी पड़ती है लंकेश, हमारी युक्ति कार्य करेगी। स्वर्ग का कल्प वृक्ष ऋषि दुर्वासा के आह्वान पर यहाँ आया है। कितना अद्भुत और सुंदर है ये कल्प वृक्ष। इससे जो प्रार्थना करो, जो मांगो, सबकी पूर्ति करता है ये कल्प वृक्ष। बड़े तेजस्वी है ऋषि दुर्वासा, ये कल्प वृक्ष स्वर्ण रजत सब दे सकता है। समुद्र मंथन से निकला है कल्प वृक्ष, ये जिसे मिल जाए वो इंद्र के समान ऐश्वर्य शक्ति संपन्न हो जाए। बंधु सत्य है ये, बहुत अद्भुत है ये कल्प वृक्ष। सत्य कहा? हाँ बंधु सत्य है ये, बहुत अद्भुत है ये कल्प वृक्ष। सत्य कहा? आप सब शांत हो जाए। सब लोग मेरी बातें ध्यान से सुने। अब से मेरी तपस्या पूर्ण होने तक यहां मैं और मेरे शिष्यों के अतिरिक्त मात्र हनुमान रहेगा। हनुमान को मैंने कल्प वृक्ष की सुरक्षा का दायित्व सौंपा है, अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस स्थान को अति शीघ्र रिक्त कर दें। जो आगे ऋषिवर। गई तो पूर्व मुझे माँ और पिताश्री के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए था, किंतु अब ऋषिवर के आदेश अनुसार मैं इस स्थान को छोड़कर जा नहीं सकता। नियम है कि तपस्या आरंभ करने से पूर्व स्नान करना आवश्यक होता है, इसलिए मैं अपने समस्त शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए मानसरोवर होकर आता हूं। तब तक तुम्हें और अधिक सजगता के साथ कल्प वृक्ष की रक्षा करनी होगी। ऋषिवर, मैं पूर्ण सजग रहूंगा। स्मरण रहे, कल्प वृक्ष को प्राप्त करने के लिए असुर कोई भी सीमा लांघ सकते हैं, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम
असुरों से कल्प वृक्ष की रक्षा करने में पूर्णतया समर्थ हो। ऋषिवर, कल्प वृक्ष की रक्षा करने का दायित्व हनुमान के लिए सर्वोपरि होगा। मरकट, युपाक्ष की माया, अतिबल की युक्ति, इनके समक्ष नहीं चलेगी तुम्हारी कोई भी शक्ति। यही है उचित समय युपाक्ष। अतिबल, जैसा बताया था वैसा करो। समय हो गया है, कल्प वृक्ष आएगा, समृद्धि लाएगा, स्वर्ण और माणिक्य मोतियों के भंडार। सुंदर नृत्यांगनाएं, हनुमान, हनुमान, मुझे संकट से निकालो। हनुमान, ये तो ऋषि दुर्वासा का आर्तनाद है, अवश्य वो किसी संकट में होंगे। हनुमान, मरकट फंस ही गया महानतम वाली की चाल में, छोड़ ही गया कल्प वृक्ष को अकेला। ऋषिवर दुर्वासा जैसे महातेजस्वी ऋषि पर कोई संकट कैसे आ सकता है? कहीं कोई हनुमान के साथ छल तो नहीं कर रहा है? हनुमान, हनुमान,
कल्पवृक्ष। मरकट, अब तुम्हें ऋषि दुर्वासा के कोप से कोई नहीं बचा सकता। कल्पवृक्ष के उखड़ने के कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहे, ऐसे कैसे कहीं जा सकता है कल्पवृक्ष? हाँ, ऊपर जाकर देखता हूँ। सका कि मेरे साथ कोई छल कर सकता है। हनुमान, हनुमान कल्पवृक्ष की रक्षा करने में असफल हो गया। अब तुम्हें ज्ञात होगा मरकट कि असफलता और पराजय कितनी पीड़ा देती है। हनुमान, बच्चे नहीं निभा पाया, कोई छल से उस कल्पवृक्ष का अपहरण कर लिया किसी ने। माँ, इतना विशाल कल्पवृक्ष कौन लेकर जा सकता है, वो भी इतने कम समय में? ये तो असंभव है स्वामी, अवश्य ये कोई बड़ा षड्यंत्र है। ये तो अनर्थ हो गया, अब ऋषि दुर्वासा के कोप से मेरा हनुमान कैसे बचेगा? क्या होगा स्वामी? ऋषि दुर्वासा तो छोटी सी बात पर शाप दे देते हैं, और ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई है हनुमान से। माँ, पिताश्री, मुझे शाप का भय नहीं है, मुझे तो भय इसका है कि जिस ससुर ने उसका अपहरण किया है वो उसकी सहायता से न जाने क्या अनर्थ कर देगा। अद्भुत है महाराज, कल्पवृक्ष अद्भुत है। कल्पवृक्ष अद्भुत है, देवताओं को शक्ति और समृद्धि मिलती है इससे। अब ये हम असुरों का है, अब हमें असुरों का है, अब हमें असुरों का है। ये है दिव्य कल्पवृक्ष, अब हम पाताल लोक को स्वर्ग से भी अधिक वैभवशाली बनाएंगे। इस कल्पवृक्ष की सहायता से अब ये हम सबको समस्त ऐश्वर्य प्रदान करेगा। पाताल राजपक्ष की जय, पाताल राजपक्ष की जय, पाताल राजपक्ष की जय, पाताल राजपक्ष की जय, पाताल राजपक्ष की जय। अब तक देवताओं ने बहुत सेवा ली है इससे, अब
ये हमारी सेवा करेगा, जो हम चाहेंगे वो प्रदान करेगा ये। अब से हम असुरों का दास है ये कल्प वृक्ष। माँ, सफल हो गया आपका हनुमान। हनुमान आपके वचन को नहीं निभा पाया। पिताश्री, आपकी कृति धूमिल हो जाएगी हनुमान की वजह से। अवश्य ही ये किसी बड़े मायावी राक्षस ने किया है। मैं अपने पुत्र को इतनी सहजता से कैसे परास्त होने दे सकती हूँ? हनुमान, मैंने तुम्हें पराजय को स्वीकार करके साहस खोना नहीं सिखाया। योद्धा वही होता है जो रणभूमि में गिर के पुनः खड़ा हो जाए। विजयश्री भी उसी का आलिंगन करती है जो अंतिम श्वास तक पराजय को स्वीकार न करे। बस हनुमान, चक्रासुर, मेघासुर, पंचपन जैसे महाबली ही नहीं, कालदेव को भी जिस हनुमान ने परास्त कर दिया, वो हनुमान इस छोटी सी पराजय पर अश्रु बहा रहा है। नहीं हनुमान, तुम्हारे अश्रु अपने पिता की कीर्ति ही नहीं, अपनी माँ के संस्कार और सीख पर भी प्रश्न चिन्ह है। तुम दुर्बल नहीं हो पुत्र, तुम योद्धा हो। पोंछ डालो ये आंसू और इस पराजय को विजय में परिवर्तित कर दिखाओ हनुमान। मरकट, अब तुम समस्त दिशाओं में ढूंढ लो, किंतु अब तुम्हें शाप मिलेगा ऋषि दुर्वासा का। कल्प वृक्ष नहीं मिल सकता। अब देखो रक्ष वीरो, ये दिव्य कल्प वृक्ष हमारा दास कैसे हमें धन संपदा प्रदान करता है। हे कल्प वृक्ष, स्वर्ण एवं रजत के ढेर प्रदान करो पाताल लोक में। ये तो ना ही स्वर्ण दे रहा है ना ही रजत। तुमने सुना नहीं कल्प वृक्ष, स्वर्ण एवं रजत प्रदान करो हमें। कल्प वृक्ष की तो दिव्यता क्षीण हो रही है। मेरा आदेश मानो कल्प वृक्ष, इस पाताल लोक को स्वर्ग लोक से भी सुंदर बना दो। तुम्हें हमारी इच्छा की पूर्ति करनी होगी कल्प वृक्ष, यही उपाक्ष का आदेश है। तुम पाताल लोक को सुंदर सुंदर सेविकाओं से शोभित कर दो। ये क्या हो रहा है कल्प वृक्ष? तुम्हें लोग इच्छा पूर्ति कहते हैं, यदि इसके लिए कोई और विधि पूरी करनी हो तो मैं करूंगा, पर तुमसे अपनी इच्छा पूर्ति करवा कर रहूंगा मैं कल्प वृक्ष। ये क्या,
कल्पवृक्ष विपाक्ष की इच्छा पूर्ति करना तो दूर, स्वयं की दिव्यता भी खोने लगा है। बड़े बड़े कार्य या महान इच्छाएं तभी पूर्ण होती हैं जब उनकी कामना करते समय मनुष्य मन हृदय एवं आत्मा से पूर्णतया शुद्ध हो और श्रद्धा से परिपूर्ण हो। देह की पवित्रता देवों से भी अपनी इच्छा पूर्ति करा लेती है। कल्प वृक्ष एक दिव्य और पवित्र वृक्ष है। असुरों के अशुद्ध तन मन एवं आत्मा तथा पाताल लोक के दूषित वातावरण के कारण कल्प वृक्ष ने युपाक्ष की इच्छा पूर्ति नहीं की। यही नहीं, अपनी दिव्यता को भी क्षीण कर लिया। स्मरण रहे, ईश्वर या किसी अन्य से कुछ पाने की प्रार्थना करते समय यदि आप तन मन एवं आत्मा से शुद्ध हैं, श्रद्धान्वित हैं, तो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आश्चर्य है, हर स्थान देख लिया, कल्पवृक्ष के बारे में कुछ ज्ञात नहीं हो पाया। कल्पवृक्ष को कल प्रातः काल से पूर्व वापस लाना है, किंतु उसके बारे में कोई छोटा सा भी संकेत नहीं मिल रहा है। शिष्यों, हमें स्नान करने के पश्चात और शीघ्रता करनी होगी। कल प्रातः काल में सूर्योदय के पूर्व हमें कल्पवृक्ष के निकट तक पहुंचना है। हनुमान तो रिक्त हाथ लौटा है, न जाने क्या होगा। माँ, पिताश्री, मैंने संपूर्ण धरती का भली भांति अवलोकन कर लिया, किंतु ना तो मुझे कल्पवृक्ष दिखा और ना ही उसका कोई चिन्ह। आश्चर्य की बात है, इतने कम समय में दिव्य कल्प वृक्ष को कोई इतनी दूर कैसे ले जा सकता है। कि ना तो तुम देख पाए और न कोई और। जिसने भी इस कल्प वृक्ष को चुराया है उसने बड़ी चतुराई का काम तो किया है, परंतु उसने एक भूल भी की है। उसकी वही भूल मुझे उस तक पहुंचाएगी। अब शीघ्र बताओ पुत्र हनुमान, कल्पवृक्ष चुराने वाले ने ऐसी कौन सी भूल की जिससे उसको ढूंढना संभव होगा। सृष्टि के सृजन कर्ता स्वयंभू ब्रह्मा जी के मानस से इस अद्भुत अलौकिक और दिव्य सरोवर की उत्पत्ति हुई। मानस अर्थात मन और सरोवर अर्थात जलाशय। मानस और सरोवर इन दो शब्दों की संधि से इस पवित्र सरोवर का नाम पड़ा मान सरोवर। गुरुवर, हम इस सरोवर एवं जल की महिमा जानने के लिए उत्सुक हैं। मान सरोवर के पवित्र जल में स्नान करने वाले और उसका पान करने वाले सभी मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के सभी पाप धुल जाते हैं और वे सदैव सुखी रहते हैं और मृत्यु के उपरांत उनकी आत्मा को भगवान शिव की शरण में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ शीघ्र स्नान कर अपने तन मन और कर्मों को शुद्ध कर हम तत्काल कल्प वृक्ष के समीप पहुंच जाएंगे। हमारे पास अधिक समय नहीं है,
तप आरंभ करने का शुभ मुहूर्त कल का सूर्योदय है। कल सूर्योदय तक ही समय की अवधि है हनुमान के पास। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों के आने से पूर्व मुझे कल्पवृक्ष को ढूंढकर उसे यहाँ पर स्थापित करना होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.